इधर मेरे फ्रेंड्स लोग सोए हैं। रील डाली देखो। फाइनली हम लोग को उस वाइट एवरेस्ट पर्वत पे जाना है, हिल्स पे। यहाँ से लगभग 5 किमी है, वाइट है ना। दिस साइड अभी निकलेंगे हम लोग यहाँ से आधा एक घंटा के बाद। वो वाइट वाली हिल्स, अभी लाइट कम है और अच्छा दिखेगा। इधर एरिया बहुत मस्त है। दिस साइड इज अ वेरी अमेजिंग। ठीक है, ऑल अबाउट दिस। इधर स्थिति इधर मस्त है। इधर पीछे का व्यू आप सब तो देखे हैं। ये है इधर की स्थिति। ये है हम लोग की कार, इधर खड़ी है और बोलेरो है। इधर का यही सब व्यू है। और ये हम लोग का है द ग्रेट होटल है। इसी में हम लोग इधर फर्स्ट वाले में इधर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, होटल द ग्रेट पोखरा इज इट अ वेरी गुड क्वालिटी। अच्छे सब कुछ अच्छा है इधर। ये देखिए हमारे भाई साहब आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग लेक के लिए निकल गए हैं। यहाँ से 5 मिनट का डिस्टेंस है। अब चलते हैं, देखते हैं। उधर देखो, यो सब कुछ दिख रहा है। हाँ भाई लोग हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उससे मैं खुश हूँ। देखिए ये सब लोकेशन है। ये देखो थोड़ा दूर हो गए सबसे अमेजिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हर शॉप पे तुम्हें बियर विस्की रम मिल सकते हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। एरिया वैसे ठीक है यार, 10 out of 8 हम दे सकते हैं इसे। बहुत क्लीन एरिया है और पीसफुल है, बहुत शांति रहती है। कल हम लोग वहाँ गए थे, जो देख रहे हो पिक। अगर कुछ दिख रहा तो देख सकते हैं आप। भाई लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर स्पा सलून ये सब भी बहुत है। थोड़ा हम लोग चाय और समोसे खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। मिल रहा है वो 6.25, मतलब इतने थोड़ा सा डिफरेंस है। टैक्स वोस की वजह से बढ़ जा रहा है, और लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ेगा अपने इंडिया से, क्योंकि टैक्सेस की वजह से। यहाँ से ये सब बस जो है सीधे आप यहाँ से नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर के यहाँ तक आप जा सकते हैं। इससे टाइम लगभग आपको 10 घंटे 11 घंटे, मतलब 10 आवर्स 11 आवर्स लग सकते हैं। नौका विहार, मतलब पैराग्लाइडिंग जहाँ करते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। अब हम लोग पहुँच गए हैं लगभग। यहाँ पर हमको लाइफ जैकेट का 10 रुपये देना पड़ेगा और पर पर्सन 100 नेपाली यहाँ पर हमको देना पड़ेगा फॉर बोटिंग। देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। अब 1 घंटे आपको टूर कराएगा। यहाँ पर से लाइफ जैकेट लेना पड़ेगा और फिर आगे। इधर देखो ये काफ़ी एरिया करते हुए लेक है। और यहाँ पर देख लो, हमारे शिवम भाई पहले ही पहुँच चुके हैं। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। कल वो जो पीक पॉइंट है ना, पीक पॉइंट हम लोग कल वहाँ तक गए थे। आप सबको वीडियो दिखाए होंगे, इधर देख लीजिए। यहाँ पर उतनी नहीं है पर लेकिन ठीक है जितना है। इधर से देख लीजिए पर्वत, आपको सब क्लीन दिख रहा है। लग तो बहुत पास रहा है पर लेकिन काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। लेट्स गो। अब चलते हैं, हम लोग भी करते हैं तो आप सब डिस्कस करते हैं। ओके भाइयों, मैं स्टार्ट हो गया है। हम लोग
चल रहे हैं पास में, उस साइड एक तालबराई मंदिर है। तालबराई मंदिर है, यहाँ जा रहे हैं इस समय। हमारी लाइफ जैकेट ठीक है, डूबेंगे नहीं। हमको बहुत डर लग रहा है भाई, जो ये बोट है बहुत इधर उधर कर रही है, देख सकते हो। ओके सब पानी भाई, हाथ इधर उधर नहीं करना है भाई, सीधे सीधे बैठे रहो। बोट कभी नहीं किया क्या? अरे भाई तो बड़ी होती है थोड़ी, इतनी होती है। अरे तो फिर इतने वाले भी बहुत कम जाते हैं। नहीं मैं बहुत बार गया, मेरी पड़ती है। फाइनली हम लोग उस साइड से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मंदिर साइड। बीच में है एक टापू नुमा और ये सब हिमालय के पर्वत दिख रहे हैं, हिमालय है। ठीक है ओके, देखते हैं इधर क्या क्या है। क्या मस्त है प्लेस, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। उधर देखो ये वाला पर्वत,